आगे। हाँ, जैसे तुमने निंजुत्सु कहाँ से सीखा? तुम्हें हमारा राज पता चल गया। तुम बेन टेनिसन्स को तबाह नहीं कर रहे, उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे हो। मैं उनका पावर छीनता हूँ और उन्हें अपना गुलाम बना देता हूँ। जब मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करूंगा, मेरे पास इतनी ताकत होगी कि इस टाइमलाइन को बदल कर नहीं बना पाऊंगा। जहाँ सिर्फ मैं इकलौता बेन टेनिसन बनूंगा। मैं ये नहीं होने दूंगा आयन। तुम दखल नहीं दे सकते टाइम वॉकर, और तुम जानते हो क्यों। सही कहा, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो पूरे स्पेस और टाइम में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम मुझसे छिप सकोगे। उस चीज की फिक्र मैं बाद में भी कर सकता हूं। अब मुझे इन दोनों बेन टेनिसन्स को अब्सॉर्ब करना है। यौन हैंड ऑफ आर्मगेडन के रास्ते आया ही नहीं, वो तो हमारी वॉचेस में से आया था, और इस पूरी लड़ाई में वो हमें उनसे दूर ले जा रहा था। उसे कुछ देर रोक लो, मुझे कुछ तोड़ना है। शोर मत करो, मैं सो रहा हूँ। तो फिर आराम से सो जाओ, क्योंकि अभी ऑन नहीं रहा और सभी क्रॉस टाइम दुनियाएं जिनमें उसने गड़बड़ की थी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी। तुम्हें पता था ये होने वाला है, तुम्हारे साथ ये पहले हो चुका है। ऑन ने टाइमलाइंस में इतनी गड़बड़ कर दी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में हूँ भी या नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये ओरिजिनल टाइमलाइन है, मगर जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। आज छोटे बेन ने वे बिग और दोनों स्वैम्प फायर्स को खो दिया। काश कोई तरीका होता उन्हें वापस लाने का। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं उन्हें तुम्हारे प्लेलिस्ट में वापस डाल देता। तो फिर लगे हाथ तुम मुझे मास्टर कंट्रोल क्यों नहीं दे देते? अच्छी कोशिश थी, पर आजमत वैसे भी मुझसे काफी नाराज रहता है। लो हो गया, अब तक तुम जो भी बने हो मैंने सबको अनलॉक कर दिया है। सच में? थैंक्स। मैंने कुछ नए वाले भी डाल दिए हैं, क्योंकि आजमत और नाराज होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा।